हर प्रसाद दास जैन स्कूल का शताब्दी समारोह में आज पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं 2001 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने शहीद मित्र नरेंद्र कुमार की स्मृति में विद्यालय को पुस्तकालय समर्पित किया और शहीद नरेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की, साथ ही साथ उनके तैलचित्र पर 2001 के मित्रों ने पुष्प अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पूर्ववर्ती छात्र 2001 बैच के छात्र जब आज विद्यालय पहुंचे तो कहा कि मेरी तरह स्कूल से आप सबकी यादें जुड़े होंगी। यादें हैं शिक्षकों की, क्लासरूम की, और हैं यादें बहुत सारी दोस्तों की। बहुत से मित्र हैं जो आज दूर हो गए, लेकिन सोशल मीडिया नहीं होती तो और किसी फंक्शन में मिल के उनके साथ अपनी पुरानी बदमाशियाँ ताज़ा कर लेते हैं। लेकिन इन सब में से एक ऐसा भी निकला जिसे हम बस याद ही कर पाएंगे। हमारा मित्र भाई नरेंद्र, बचपन में उसकी कद काठी रूप रंग देखकर हम कहते थे भाई तू तो हीरो बन बा, और वो तो पूरे वतन का सच्चा हीरो बन गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था भाई हमारा। 24 जनवरी 2012 को पेट्रोलिंग के लिए टीम निकली जो हिमस्खलन के कारण वापस ना सकी। हमारा मित्र वीर गति को प्राप्त हुआ और हम कर्जदार बन गए। उसके नाम पर इस पुस्तकालय को समर्पित करते हुए हम उससे कहना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे किसी वीर को। आप हमारी हिम्मत हैं, हमारे मार्गदर्शक। आप कहीं नहीं गए हो, हम सबके दिल में हो। अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ आज इस मंच के माध्यम से मैं शहीद नरेंद्र के पूरे परिवार के साथ मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूं कि इस पुस्तकालय को समाज कल्याण के लिए समर्पित करें। सर, आपके पुत्र इस विद्यालय में पढ़ता है, जो उनके यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया, जो उनके पूर्ववर्ती छात्र थे, जो मित्र थे, और विद्यालय के परिवार के तरफ वो एक लाइब्रेरी आज दिया गया है, क्या कहेंगे इसको? इसके लिए हम थैंक करते हैं। अब बताया जाए जो आपके यहाँ एक आज लाइब्रेरी का जैन स्कूल में उद्घाटन किया गया, जो पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा आज किया गया था, एक शहीद है नरेंद्र के नाम, बताया जाए क्या है ये, किस तरीके का ये लाइब्रेरी? 2001 बैच के द्वारा हमारे 2001 बैच के साथ भाई नरेंद्र, जो BSF में एज ए सब इंस्पेक्टर थे और जो वीरगति को प्राप्त हुए थे 24 जनवरी 2012 आइस लैंड स्लाइडिंग के दौरान, उसके उपलक्ष्य में उनको एज ए श्रद्धांजलि, उनको अपनी यादों में जिंदा रखने के लिए 2001 बैच के मित्रों द्वारा ये लाइब्रेरी समाज कल्याण के लिए भेंट की गई है। शहीद तो चले जाते हैं लेकिन वो यादों में हमेशा रहते हैं, यादों में जिंदा रहते हैं और वो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरक देते रहते हैं। आज इस लाइब्रेरी के माध्यम से, इस स्कूल के माध्यम से आने वाले बहुत सारी पीढ़ियों के बच्चों को वो एज ए मार्गदर्शक काम करेंगे कि हाँ देश के लिए कुछ करना है, तो उनके सम्मान में 2001 बैच के माध्यम से एक छोटी सी भेंट उनको दी गई है।